चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का नाश होता है, जिससे कि बीपी शुगर मोटापे की शुरुआत होती है। क्या बकवास है ये। चाय से मुंह के छाले पथरी पानी की कमी होती है। क्या है। चाय से कमजोरी थकान होती है, शरीर खोखला हो जाता है। क्या बकवास है। चाय से मुहासे सोरेसिस फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये भगवान, पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को मेरा चैलेंज है कि तू प्रूव करके दिखाए चाय पीने से क्या फायदा होता है। रुको जरा, चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। चाय में मौजूद होता है कैफीन, इसके वजह से आपको एनर्जी बूस्ट महसूस होता है, नींद भाग जाती है। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। चाय में पॉलीफिनॉल्स कई तरह के हैं, जिसमें कैटेकिंस, थियोफ्लेविंस एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट है। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। L-threonine एक तरीके का अमाइनो एसिड है जो चाय में मिलता है, इसके वजह से आपको थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट मिलता है। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। चाय आपके कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। उसके अंदर मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपके खून की नसों के अंदर एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, आपके खून की नसों को रिलैक्स और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में मदद करते हैं अगर लिमिट में ली जाए। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। चाय के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, मैंगनीज होता है। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। चाय में होते हैं टैनिंस। टैनिन एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये आपके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम और इन तरीके के कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। तो उसके दो सोल्यूशन, या तो आप चाय के साथ आयरन रिच फूड ना खाएं, थोड़ी देर बाद खा लें, या फिर बहुत सारा आयरन रिच फूड खाएं, थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम भी होगा तो चलेगा। क्या आप चाय पीते हैं? क्या चाय से हार्ट अटैक आ सकता है? क्या चाय से हड्डियां कमजोर हो सकती है? क्या उससे कैंसर हो सकता है? दिमाग की बीमारी हो सकती है? डायबिटीज हो सकता है? क्या चाय उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका पेट खराब रहता है? क्या हो सकता है चाय से नुकसान? क्या दूध वाली चाय पीनी चाहिए या बिना दूध के पीनी चाहिए? आज जानेंगे आज के वीडियो में प्रूवन बेनिफिट्स, प्रूवन नुकसान। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। द इंटरनेट इज फुल ऑफ ब्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। योर क्वेस्ट ऑफ रिलायबल ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड्स हियर। So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. चाय के अंदर क्या है ये जाने बगैर हम ये तय ही नहीं कर सकते कि अच्छी है कि बुरी। चाय, काली चाय जो है ये एक प्लांट कैमेलिया सिनेंसिस के पत्तों से बनाई जाती है। तो काली चाय में जो सबसे की कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसमें से एक है पॉलीफिनॉल्स, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, कैटेचिंस, थियोफ्लेविन्स और थियोरुबिगिंस पाए जाते हैं। थियोफ्लेविन्स जो कि ब्लैक टी में यूनिक होते हैं और ये काली चाय को उसका कलर देते हैं, फ्लेवर देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देते हैं। चाय में मौजूद होता है कैफीन, ब्लैक टी या ग्रीन टी या कॉफी इन सभी में होता है, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलेंट है। इसके वजह से आपको एनर्जी बूस्ट महसूस होता है, नींद भाग जाती है। L-threonine एक तरीके का अमाइनो एसिड है जो चाय में मिलता है, इसके वजह से आपको थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट मिलता है और ये आपके हेल्प करता है कैफीन का, ताकि आपकी अलर्टनेस बढ़े बिना जिटरीनेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के। चाय में होते हैं टैनिंस। टैनिन एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये आपके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम और इन तरीके के कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। अगर आप चाय के साथ नाश्ता करते हैं तो उस नाश्ते में अगर कुछ आयरन रिच फूड है तो उसका एब्जॉर्प्शन ये कम कर देंगे। तो उसके दो सोल्यूशन है, या तो आप चाय के साथ आयरन रिच फूड ना खाएं, थोड़ी देर बाद खा लें, या फिर बहुत सारा आयरन रिच फूड खाएं, थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम भी होगा तो चलेगा। मिनरल्स और विटामिंस भी होते हैं चाय के अंदर। चाय के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, मैंगनीज होता है और कुछ एसेंशियल ऑयल्स के ट्रेसेस भी होते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप चीजें डालते भी हैं। आप उसमें मीठा डालते हैं, स्वीटनर डालते हैं, गुड़ डालें या चीनी डालें या खंड डालें या मिश्री डालें, शक्कर डालें, या आप दूध का इस्तेमाल करते हैं कई बार, उसमें फ्लेवर अदरक वाली चाय और फलाना मसाला ना चाय, तो उन चीजों के वजह से भी चाय के अंदर बदलाव आते हैं। चाय के बेनिफिट्स में, नुकसान में बदलाव आते हैं। चाय को कितने देर पकाया गया है, अगर बहुत कड़क चाय है तो उसमें इन सारी चीजों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हल्की चाय है तो कम हो जाएगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। चाय के अंदर कुछ बेनिफिट तो है। क्या बेनिफिट? नंबर एक, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। चाय में पॉलीफिनॉल्स कई तरह के हैं, जिसमें कैटेकिंस और थियोफ्लेविन्स एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? आपके शरीर में रोजमर्रा की जिंदगी में एनवायरमेंट की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं शरीर पे। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं इनको कम करने में। और एंटीऑक्सीडेंट्स सारे ही प्रकार के प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनमें मिल जाते हैं। दिल की बीमारी को अगर आप देखेंगे तो एक लिमिट के अंदर अगर आप चाय पीते हैं तो ये देखा गया है कि उसके अंदर मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपके खून की नसों के अंदर एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, आपके खून की नसों को रिलैक्स और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में मदद करते हैं अगर लिमिट में ली जाए। अब चाय आपके कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। L-threonine और कैफीन मिलके आपको अलर्ट,
आपको अटेंशन और आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। चाय से आपके मुंह का हेल्थ भी बेटर होता है, उसमें फ्लोराइड होता है जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देगा और आपके दांतों के अंदर कैविटीज होने से बचाएगा। ये चाय पीने से आपके स्ट्रोक का रिस्क भी लंबे समय में कम होता है। तो क्या चाय के कोई नुकसान नहीं है? जी नहीं, चाय के भी नुकसान होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे चाय लेते हैं और ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर कैफीन जाने से उनकी दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है और उनको नींद नहीं आती है, उनको एंजाइटी हो जाती है। ऐसे लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए या बहुत कम पीनी चाहिए। तो ये इन लोगों को कैफीन सेंसिटिविटी है। ब्लैक टी के अंदर जो टैनिन्स होते हैं वो आयरन, नॉन हीम आयरन जो प्लांट बेस्ड फूड से पाया जाता है, उनके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। कुछ लोगों को चाय पीने से पेट खराब हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेट में अल्सर हो तो आपके पेट में जलन होगी। अगर आपको रिफ्लक्स वाली डिजीज GERD है तो आपको प्रॉब्लम होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। ऐसे मामले में चाय की क्वांटिटी बहुत कम कर देना या फिर एक हल्की चाय लेना भी चलेगा या चाय अवॉइड कर सकते हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो चाय पीते हैं तो चाय पीना छोड़ दें। हड्डियों के बारे में अगर बात करें तो अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी कैल्शियम की कमी है और जो थोड़ा बहुत कैल्शियम आप लेते हैं वो चाय में मौजूद दूध से ही लेते हो तो बिल्कुल चाय आपके शरीर में उस दूध से कैल्शियम जो जा रहा है उसे थोड़ा कम कर देगा। तो आपको अपने दूसरे एस्पेक्ट्स को बिल्कुल टेक केयर करना होगा कि आपकी डाइट में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम हो, विटामिन डी जा रहा है आपके अंदर। और कुछ स्टडीज ये जरूर देखती है कि लंबे समय में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप चाय कॉफी लेते हैं तो टैनिन्स और कैटकिन्स आपके कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेगा, तो आपको कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। क्या दूध वाली चाय पीनी चाहिए या काली चाय? फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस काली चाय में थोड़ा सा दूध डालने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध डालने से चाय के न्यूट्रिएंट्स को बूस्ट कर रहे हैं आप, उसमें कैलोरीज ऐड हो रही है, उसमें कैल्शियम विटामिन डी ऐड हो रहा है और हाइड्रेशन लेवल बढ़ जाता है। अगर आप उसमें चीनी डालते हो तो कैलोरीज और ज्यादा बढ़ेगी, बिना चीनी के लिए लेते हो तो ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। और उसमें आप कस्टमाइजेबल आपका फ्लेवर डालते हो जो भी आप तरीके से, तो अपने मजे के लिए एंजॉय कर सकते हैं अलग अलग फ्लेवर। ध्यान क्या रखना है, दूध वाली चाय में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, उसमें चीनी अगर डालते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके लिए बिना चीनी बिना शक्कर वाली दूध वाली चाय बेटर होगी और ब्लैक चाय और भी बेहतर होगी। लैक्टोस इंटॉलरेंस अगर आपको है तो उतने से दूध से भी आपको पेट खराब हो सकता है। और डेंटल हेल्थ के लिए जो अगर दूध वाली चाय लेते हैं तो उससे कैविटीज बढ़ने के चांस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मिल्क एंड शुगर कॉन्टेंट ऑफ द टी। आप एक से ज्यादा 4 कप चाय दिन में ले सकते हैं, 4 कप चाय या 2 कप 3 कप कॉफी, उससे ज्यादा नहीं। So I hope this video gave you an insight on tea. आपको चाय के बारे में कुछ नया पता चला हो। चाय से डरने की जरूरत नहीं है, जहर नहीं है चाय, आप enjoy कर सकते हैं चाय को, फ्लेवर को आपके mental alertness के लिए use कर सकते हैं और इस video को share कर सकते हैं, free of course like कर सकते हैं और subscribe कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, बटन दबा दीजिए आप, ठीक है, पक्की बात।